आप सभी को मेरा नमस्कार। लग रहा है अपनी गलती है, अभिवादन में कमी हो गई, दोबारा अपने आप को मौका देना चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मजा आ रहा है दोस्तों, मेरा नाम जीवन छेत्री है और मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ और 100% सेल्स ऑफ एडवाइजर हूँ। और आज इस बिजनेस से क्या क्या अचीवमेंट मेरे पास में है आप सारे लोग जानते हैं, यस या नो? सारे लोग जानते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में मैं आया था जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, कुछ पता नहीं था बिजनेस का, अभी तक पता नहीं था। इस बिजनेस में आया, यहाँ पे सिस्टम है, क्या है सिस्टम है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, यस या नो? लगातार ट्रेनिंग को अटेंड किया, बोलना नहीं आता था, लोगों से किस तरीके से डील करना है कुछ नहीं पता था, शर्माता था, क्या करता था शर्माता था, दोनों के सामने मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन दोस्तों आज आप सबके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यस या नो? ये पावर है दोस्तों, सेल्स और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली हम देंगे। मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों, हमारी जो कंपनी है सेफ शॉप, आज हमारी कंपनी को 18 साल पूरा हो चुका है, यस या नो? यस या नो? आप मुझे बताइए, जब हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय मैं 7 साल का था, कितने का? 7 साल। कितने का? 7 साल। लेकिन आज मैं इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, यस या नो? यस। टीम बना चुका हूँ, यस या नो? तो आप मुझे बताइए, आज जो बच्चे हैं 6 साल के 7 साल के, या तो आज जो पैदा भी नहीं हुए वो भी आने वाले 18 साल के अंदर इस कंपनी में काम करेंगे और खुद भी डायमंड बनेंगे और आप और हमको काम बनाएंगे दोस्तों, काम बनाएंगे। थैंक यू। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद इस बिजनेस में टिके रहेंगे, यस या नो? यस या नो? जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी दोस्तों, जब सेल्स ऑफ नया नया था तो सेल्स ऑफ को कोई भी दबा सकता था, यस या नो? यस या नो? उस समय सेल्स ऑफ एडवाइजर को अगर कोई पूछता तेरी कंपनी कितने दिन से चल रही है, क्या बोलता? कल ही लॉन्च हुई है, यस या नो? किसी ने पैसा कमाया? मैं कहा अभी हम कमाएंगे। किसी ने 40 लाख कमाया? नहीं कमाएंगे, यस या नो? लेकिन आज 18 साल हो चुका है, आज हमारी कंपनी गबड़ू जवान, यस या नो? आज कोई हमारी कंपनी के सामने उसी आवाज में बोल सकता है क्या? No. बोल सकता है क्या? No. मैं चाहता हूं 18 साल कंप्लीट किया हमारी कंपनी ने, अभी तक की एक जोरदार ताली उधर से तो मिली, जोरदार। दोस्तों मुझे गर्व है, मैं सेल्स ऑफ एडवाइजर हूं, क्या आपको गर्व है? Yes. गर्व है? दोस्तों
होगा, सुनना चाहेंगे? यस। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछूंगा, यस और नो में जवाब देना है। दे पाएंगे? यस। कितने लोग आईफोन लेना चाहते हैं? आईफोन, अरे क्या बात, सब लेना चाहते हैं। कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं? विदेश, सब जाना चाहते हैं। कितने लोग फोर व्हीलर लेना चाहते हैं? फोर व्हीलर, सब चाहते हैं। कितने लोग हर हफ्ते बड़ा बड़ा चेक उठाना चाहते हैं? चाहते हैं? एक कहानी बता दूं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक महिला थी, उनके 10-12 देवर थे। कितने देवर तो होते ही ऐसे, तो कोई भी भाभी बना लेता है, बनाता कि नहीं बनाता। तो एक दिन क्या हुआ, उस महिला के घर में एक दुर्घटना घटना घट गई। उनके पति जी चरणों से क्या हो गया, उनके पति का देहांत हो गया और वहां पे शोक सभा चल रहा था। क्या चल रहा था? शोक सभा। और जैसा अक्सर होता है वहां पे लोग रोना धोना करते हैं, यस या नो? तो वो जो महिला थी वो फूट फूट के रोने लगी और रोते रोते अभी कोई भी देवर को अच्छा लगेगा इतनी प्यारी भाभी रो रही है, अच्छा लगेगा क्या? नो। तो एक देवर बोलता है, भाभी जी क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हो? तो भाभी जी क्या बोलती है, जानना चाहेंगे? भाभी जी बोलती है, यार आपके भैया को टीवी देखना बहुत पसंद था, उनके लिए नया एलईडी 56 इंच का एलईडी लेके आई थी, अब वो एलईडी कौन देखेगा, ये सोच के मैं रो रही हूँ। तो उसका एक देवर हाथ खड़ा करता, कोई बात नहीं भाभी जी, टेंशन लेने का नहीं, मैं देख लूंगा। रुको। उसके बाद फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर भाभी फूट फूट के रोने लगी। फिर एक देवर ने पूछा, क्या हो गया भाभी जी? तो उसको बोलती है, आपके भैया को मिठाई बहुत पसंद थी। क्या मिठाई बहुत पसंद थे? 10 केजी छेना ला के मिठाई बना के रखा था, अब वो मिठाई कौन खाएगा? तो एक देवर जी हाथ खड़ा करता, कोई बात कोई नहीं भाभी जी, टेंशन नहीं लेना, मैं खा लूंगा। भी हो गया। अभी फिर दोबारा तो नहीं है, फिर पूछा, क्या हो गया भाभी जी? तो बोलता है, आपके भैया को 3-piece suit पहनना बहुत पसंद था। क्या? तो उनके लिए मैंने बढ़िया सा कपड़ा ब्रांडेड सेफ शॉप से मंगाया था, उससे रूम स्वीट का ब्रांडेड 3-piece का A1 suit सिला के रखा था, उसे कौन पहनेगा? एक देवर जी खड़ा होता, कोई नहीं भाभी जी, मैं पहनूंगा, आप टेंशन मत लो, मत लो। थोड़ी देर बाद दोस्तों भाभी जी फिर रोने लगी। तो उसके बाद फिर पूछा गया, भाभी जी अब क्या हुआ? और बाकी के देवर जी हाथ खड़ा करने के लिए तैयार थे, अभी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो ले लेंगे, यस या नो? तो भाभी जी बोलती है, बात ऐसा है, एक सेठ जी है। क्या है? सेठ जी है और उनका 20 लाख का कर्जा देना है। तो जितने देवर जी हाथ खड़े करे सबने नीचे ले लिए। और एक बंदा वहां पर मेरा जैसा था, वो क्या बोलता, जानना चाहेंगे? अरे सारे हम ही ले लेंगे, एक तो जिम्मेवारी आप भी ले लो, यस या नो? तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपको पूछा, आईफोन चाहिए? फोर व्हीलर चाहिए? विदेश जाना चाहते हैं? तो रिटेल कौन मेरा चाचा करेगा, वो भी हम करेंगे, यस या नो? यस या नो? करके दिखाएंगे। थैंक यू। रिटेल करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। दोस्तों कंपनी इतनी समझदारी की प्लानिंग के साथ में आई है, आप देख सकते हैं, जो भी आदमी इस बिजनेस के अंदर नया ज्वाइन होगा उसको हम सारे लोग जीबीवी प्रोडक्ट दिलाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट? जीबीवी। यस या नो? जो 10,000 से स्टार्टिंग वो प्रोडक्ट उनको दिलाएंगे। और रिटेल किसको दिलाएंगे? किसको? जो ऑलरेडी आपके और हमारी टीम में ज्वाइन हो चुका है उसको रिटेल दिलाना है। क्या दिला पाएंगे? दिला पाएंगे। और दोस्तों ये सारे जो रिटेल के प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिटेल के प्रोडक्ट में बात करूंगा। हम सारे लोग शैंपू यूज करते हैं, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का आप शैंपू यूज करते हैं। उस शैंपू को खरीदने से आज तक आपको पैसा मिला? उसका प्रचार करने से आज तक आपको पैसा मिला? तो आप मुझे बताइए, हमारे बाथरूम के अंदर कौन से ब्रांड का शैंपू होना चाहिए? कौन सा? कितने लोग शैंपू का शैंपू यूज करेंगे? अरे क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आए हैं, कोई भी मोटा आदमी है, ग्रासिनिया कम हो गया खाते हो पतला हो सकता है, यस या नो? यस या नो? कोई भी पतला है वेट गेनर खाके मोटा हो सकता है, किसी के घुटने में
यस या नो? यहाँ तक कि चावल भी है, यस या नो? कितने लोग सेंस ऑफ चावल खाते हैं? क्या बात है, बहुत कम लोग खाते हैं। अभी कितने लोग खाएंगे? क्या बात है, अपना ब्रांड है जोधा का लिया। दोस्तों मेरा पेट थोड़ा निकल गया था, पता है आप लोगों को? लोग बोलते हैं जीवन सर इसका कुछ करो। अभी दिख रहा है? दिख रहा है क्या? किसका कमाल है? ग्रासी लिया कम हो गया। किसका फेस में थोड़ा ग्लो है? दिख रहा है? लोग बोलते हैं जीवन सर आपका चेहरा क्या हो, थोड़ा थोड़ा काला पड़ गया है। लेकिन दोस्तों सेम शॉप का फेमस क्रीम का कमाल है। यस या नो? दोस्तों ये सारा प्रोडक्ट आपने और हमने खरीदना पड़ेगा। क्या आप खरीद सकते? जो भी प्रोडक्ट सेफ शॉप के अंदर है, अगर वो प्रोडक्ट हमें जरूरत है तो भाई मार्केट से दूसरों का ब्रांड का नहीं खरीदेंगे। दूसरों को जितना हमें बनाया बनाना था बना चुके हैं, अब खुद को हमें बनाने की जरूरत है, खुद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जरूरत है। तो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए कहाँ से लेंगे? और ये उसी के टीम के अंदर ज्यादा रिटेल प्रमोट होगा जो पहले खुद उस प्रोडक्ट को लेगा और यूज करेगा। यस या नो? तो कितने लोग सेल्स ऑफ के सारे प्रोडक्ट को लेके यूज करेंगे? कितने लोग? जोरदार तालियां उनके के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों आप लेंगे तो आपको देख के आपकी टीम भी लेगी। यस या नो? दोस्तों कंपनी के अंदर रिटेल लॉन्च हो चुका है और दोस्तों अभी तो केवल शुरुआत है। आज इस स्टेज में केवल दो चार लोगों को सम्मानित मिला, दो चार लोगों को रिकॉग्निशन मिला। यस या नो? और आज पहली बार हम लोगों ने रिटेल का प्रमोशन किया है, लेकिन दोस्तों गारंटी इस बात की है क्योंकि हम लोग बंगाल टाइगर है। यस या नो? किस टीम से हम? रॉयल क्रांतिकारी टीम। कभी पीछे रहता है? कभी पीछे रहता है? जब रिटेल का प्रमोशन होगा स्टेज में लाइन लगा देंगे। तैयार है? तैयार है? शुरुआत आज और अभी से करना पड़ेगा। क्या आप सारे लोग साथ दे पाएंगे? क्योंकि दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर रॉयल क्रांतिकारी टीम का पर्चा लहराना है। लोगों को पता होना चाहिए बंगाल टीम के अंदर, बंगाल टाइगर के अंदर एक टीम है रॉयल क्रांतिकारी टीम, जिस टीम के अंदर सबसे ज्यादा रिटेल प्रमोट होता है। यस या नो? यस या नो? रिटेल को प्रमोट करने से होगा। तो क्या आप सारे लोग कर पाएंगे? Yes. कर पाएंगे? Yes. और जो भी नया आदमी आएगा उसको कौन सा प्रोडक्ट दिलाना है? GBV. कौन सा? GBV. और जो जुड़ गया है उसको कौन सा प्रमोट करना है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती हम एक चीज भी कर रहे हैं, हम लोगों को सीधा रिटेल प्रमोट कर रहे हैं सीधा। क्या ये गलती नहीं करना है? आप जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? हमें दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो भैंस पालना चाहिए या बकरी? यस या नो? क्या पालना चाहिए? बहुत सारे लोग नहीं सर हम तो बकरी पालेंगे। क्या मेहनत सेम? भैंस जितना चारा खाएगा बकरी भी उतना खाएगी। यस या नो? यस या नो? भैंस की जितनी देखभाल करनी पड़ेगी बकरी की भी उतनी करनी पड़ेगी। और दोस्तों जब रिजल्ट की बारी आएगी बकरी ग्लास भरेगा और भैंस बाल्टी भरेगा। समझ में आ रहा है? तो जीबीबी और आदित्य को एक साथ लेके चलेंगे, दमदारी से अपना चेक बढ़ाएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज, अभी कंपनी का टारगेट के लिए 15 दिन अभी और बाकी है। कितना? 15
15 दिन और 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, यस या नो? अभी तक आपने कुछ किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी उठ जाओ, क्या करो, नींद से जाग जाओ, अपनी आईडी खोलो, सेल्स प्रमोशन स्टेटस में क्लिक करो और देखो वहां पे आपका लेवल और कितना पेयर हुआ है और कंपनी का टारगेट में आपको कितनी पेयर की जरूरत है। 15 दिन है दोस्तों, ताकत लगाना है और कंपनी का टारगेट जीत के दिखाना है। दिखाएंगे दिखाएंगे इस बार कितने लोगों का नाम कंपनी के टारगेट में होगा, हाथ खड़ा करें। क्या बात है, जोरदार तालियां उठे के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। लास्ट में एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों, हर आदमी ना एक ही चीज बोलता है सर तकलीफ आ रही है, क्या आपके पास आ रही है तकलीफ? कितने लोगों के पास आ रही है? सबके पास आ रही है? लोग मना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कभी पैसे की तकलीफ होती है, कभी कभी घर वाले कुछ बोल देते हैं, रिश्तेदार हमारे दोस्त बहुत सारी तकलीफ आती है, यस या नो? लेकिन इस तकलीफ को लेके एक बात जरूर बताऊंगा, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, क्या थी? प्रेग्नेंट लेडी थी, वो बहुत ही परेशान थी। किस बात के लिए परेशान थी जानना चाहेंगे? वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर डॉक्टर पेट में बहुत दर्द होता है। क्या होता है? पेट में बहुत दर्द होता है। उसके बाद में बोला, डॉक्टर कभी कभी चक्कर भी आता है। क्या होता है? चक्कर आता है। और बोला, डॉक्टर कभी कभी वॉमिटिंग भी होता है, मैं ढंग से नहीं चल नहीं पाती, हमेशा वीकनेस रहता है, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। तो इस सारी बातों को सुन के डॉक्टर मुस्कुराता है और क्या बोलता है जानना चाहेंगे? डॉक्टर बोलता है, मैम यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या बोलता है? यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि दोस्तों अगर उसके पेट में बच्चा लात मार रहा है, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, अगर उसे चक्कर आ रहा है, अगर उसे उल्टी आ रही है, इसका मतलब अंदर जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है। यस या नो? यस या नो? तो उसी तरीके से अगर आपके पास में तकलीफ आ रही है, अगर आपको पैसे की कमी हो रही है, अगर घर वाले कुछ बोल रहे, आपके दोस्त कुछ बोल रहे, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड यू आर इन द राइट पाथ। और कोई डायमंड बने या ना बने, आप जरूर बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे तो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि एक कहावत है, माँ बाप के सामने बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। अभी मैं स्टेज में एक ऐसी पर्सनालिटी को कॉल करूंगा दोस्तों, आपका हमारा जो सपना था, आपका हमारा सपना एक ही है। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। उन्होंने दोस्तों ना जान ना पहचान, सिलीगुड़ी उनके लिए बिल्कुल ही नया था, वेस्ट बंगाल बिल्कुल ही नया था। सर बोल सकते थे कि मुझे हिंदी नहीं आता है, सर बोल सकते थे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कैसे होगा बिजनेस, यस या नो? लेकिन सर ने बोला नहीं, इधर आके काम किया और इस बिजनेस के अंदर लोग डायमंड बहुत मेहनत करते हैं, डायमंड बनते हैं। और सर ने भी अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, सर इस बिजनेस के अंदर डायमंड बने। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको मंच में बुलाऊं, उससे पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे? कौन सा वीडियो जानना चाहेंगे? डायमंड सेलिब्रेशन में कितने लोग आए थे? क्या बात है, तो आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप ही होंगे। तो दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन का आज यहाँ पे वीडियो देखने वाले और